सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन वो एक ही दिन में आपका सब कुछ छीन भी सकता है। और ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म का नाम है टिकटॉक। मुझे पता है कि टिकटॉक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। हर टिकटॉकर की लाइफ, हर इंस्टाग्रामर की लाइफ बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही केस की जो गुस्सा, पोजेशन और इज्जत को दर्शाता है। अली अबू लबन पैलेस्टाइन का रहने वाला था। उसका जन्म 18 मई 1992 में स्टैटन आइलैंड में हुआ था। अबू लबन को बचपन से ही एक्टर बनने का बहुत शौक था, इसीलिए वो एक्ट्रेस की मिमिक्री भी किया करता था। उसे बचपन से ही एक दिन फेमस होना था। उसकी फेवरेट फिल्म स्कारफेस थी, जिसकी वजह थी टोनी मेंटेना। टोनी की हर वीडियो की मिमिक्री और अली की मिमिक्री हूबहू एक जैसी होती थी। अली के हाई स्कूल में जाते ही उसकी पूरी फैमिली वर्जीनिया शिफ्ट हो गई थी, जहां उसका ये पैशन और भी बढ़ने लगा और वो अपनी पूरी स्कूल लाइफ में बस एक्टिंग और लोगों को एंटरटेन करता रहता था। स्कूल खत्म होने के बाद अली ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली, जहां से उसकी पोस्टिंग ओकानावा जापान हो गई थी, जिसके चलते अली एना के पापा से मिला था और उन्हीं के चलते वो एना से भी मिला। एना बहुत ही केयरिंग, कंसर्न और खूबसूरत लड़की थी। उसने अपनी डिग्री फिलीपींस से हासिल की थी और यहाँ वो अपनी 15 साल की दोस्त केसी से मिली। हम आपको बता दें कि केसी कहानी का बहुत ही मेन किरदार है। अली और एना जब एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, उन्हें तभी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एना की बेस्ट फ्रेंड केसी को लगता था कि अली एना का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है। एक दिन केसी ने एना को कॉल किया ये पूछने के लिए कि तू कहाँ पर है, लेकिन फोन अली ने उठाया और बहुत गुस्से में बोला कि तुम कॉल क्यों कर रही हो, तुम्हें पता नहीं क्या एना मेरे साथ है। कुछ महीनों बाद ही अली और एना ने शादी कर ली और उसके कुछ समय बाद उनकी एक बेटी भी होती है। अली की लाइफ में अब सब कुछ सही चल रहा था, उसका बहुत खूबसूरत परिवार भी था, बट फिर भी उसकी लाइफ में एक कमी रहती थी, उसे फेमस होना था। तो अली ने अपनी टिकटॉक अकाउंट पर बहुत ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करनी शुरू कर दी थी और साथ में वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को भी वीडियोस में लाता था, जिस कारण उसे व्यूज ज़्यादा मिलते थे। थोड़े टाइम बाद ही अली के टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। तभी उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो सैंटियागो शिफ्ट हो जाते हैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और इसलिए भी एना के सभी मिलिट्री दोस्त सैंटियागो में रहते थे। एना का टिकटॉक अकाउंट भी बहुत ऊपर जा रहा था। वो डेली अपनी फ्रेंड के साथ डेली व्लॉग्स और वीडियोस डाला करती थी, पर अली को एना का बाहर जाना और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अली एना पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखना चाहता था और न जाने क्यों वो अपने साथ हर वक्त एक गन रखता था। उसका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव होता जा रहा था। एना को लगता था कि शायद उसी से ही कोई गड़बड़ हुई है जो अली इतना एग्रेसिव हो गया है, मगर असल में वो अपनी ही वाइफ से जेलस था, क्योंकि एना का टिकटॉक अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। अब अली एना के हर काम पर और भी नजर रखने लगा था। इतना ही नहीं, उसने ड्रग्स भी लेने शुरू कर दिए थे और वो टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम पर भी कोकेन लेता था। इन सब के बाद एना और अली के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी थी और लड़ाई में अली अपनी गन एना पे पॉइंट कर देता था। अब एना अपने ही घर में सेफ फील नहीं कर पा रही थी। अक्टूबर 2018 में अली ने एना को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया। दूसरी ओर एना ने डिवोर्स पेपर इकट्ठे किए और कुछ समय बाद ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया। अली अब दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो डिवोर्स पेपर्स का बदला बहुत जल्दी लेने की सोचता है। वो एना के अपार्टमेंट की एक नकली चाबी बनवा लेता है, जिसके चलते वो एना के अपार्टमेंट में छुपके आया करता था और उसे कॉल भी किया करता था। मई 2021 में अली एना के अपार्टमेंट में जाके सब कुछ तोड़ देता है और वो ये सब एना को फ़ोन करके बताता है
ये सुनने के बाद ऐना बहुत गुस्से में आ जाती है। इतना ही नहीं, अली अपनी बेटी के लैपटॉप में स्पाई एप्लीकेशन डाउनलोड भी करता है, जिससे वो उस अपार्टमेंट की सारी बातें सुन सकता है। ऐना ने घर आते वक्त अपने फ्रेंड रेबन को साथ बुलाया था ताकि वो घर की साफ सफाई कर सके। दूसरी ही ओर ऐना घबरा भी रही थी कि कहीं अली फिर से अपार्टमेंट आके कोई तमाशा ना कर दे। तभी अली ऐना के घर की आवाज़ सुन रहा होता है और उसे रेबन की आवाज़ आती है। अब वो एक ही बात सोच रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है। वो जल्द से जल्द ऐना के अपार्टमेंट में जाता है और सारे रास्ते मोबाइल पर बात कर रहा होता है। जैसे ही वो अपार्टमेंट पहुंचता है, वो नकली चाबी से अपार्टमेंट खोलता है और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे रेबन को गोली मार देता है। ये देखने के बाद अब ऐना बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद अली ने अपनी गन ऐना की तरफ की और उसके माथे पर निशाना लगाते हुए उसे गोली मार दी। इन सब के बाद अली काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा और कुछ समय बाद जब वो अपने होश में आया तो वो बहुत डर गया, लेकिन उसके पास एक प्लान था। वो मेन गेट पे खड़ा हो जाता है और पुलिस को बुलाता है। वो सोचता है कि अगर मैं ही पुलिस को बुला लूँगा तो मुझ पे कौन ही शक करेगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पुलिस को पता चला कि ऐना और रेबन के अपार्टमेंट के जाने के बाद सिर्फ अली ही उस अपार्टमेंट में गया था। और साथ ही उनके एक नेबर ने ये भी बताया कि उन्हें अली के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई थी। हारकर अली को अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ा और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसकी बच्ची को पुलिस ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया। तो यही ख़त्म होती है अली और अनु की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।